हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग। तो आज हम बात करेंगे अपने जो कि हमारा इथिकल हैकिंग का सेकंड लेक्चर है। आपको फर्स्ट लेक्चर मिल चुका है। अगर हम बात करें अपने सेकंड लेक्चर की, तो आपको सेकंड लेक्चर में क्या मिलेगा, आपको क्या नया देखने को मिलेगा सेकंड लेक्चर में जो आपको फर्स्ट लेक्चर में नहीं मिला। अगर हम बात करेंगे अपनी जो कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपको काली इंस्टॉल करनी है अपने वर्चुअल बॉक्स में। अब आपने काली तो इंस्टॉल कर ली अपने वर्चुअल बॉक्स में, अब आपको कुछ उसकी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे कि आपको उसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करना चाहिए कि आपकी वो अच्छी चले, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम बात करेंगे स्नैपशॉट्स की। आपने काली इंस्टॉल कर ली और स्नैपशॉट्स का मतलब क्या होता है और इसको हमें यूज़ क्यों करना चाहिए, आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अगर हम बात करें स्नैपशॉट्स की, स्नैपशॉट्स में होता क्या है मेन कि अगर जैसे आपने अपनी काली इंस्टॉल किया है, काली इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने उसको अपडेट किया है, अपडेट करने की कोशिश किया है, फिर उसकी लाइब्रेरी छेड़ी है, कुछ फाइलें छेड़ी हैं जिसकी वजह से आपकी काली चल नहीं रही या उसको चलाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि जो कि बिगनर्स होते हैं, हम बात करें जो कि अभी हमारे कोर्स देख रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उन्होंने काली तो इंस्टॉल कर ली बट उस चीज़ की अभी उनको इतनी एडवांस लेवल पे नॉलेज नहीं है कि अगर उनसे कोई गलती हो कि उस गलती को अपने आप कैसे ठीक कर पाए। तो उसकी उसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्नैपशॉट्स को। स्नैपशॉट्स को हम यूज़ कैसे करेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा कि आपको उसको यूज़ कैसे करना है। स्नैपशॉट्स मतलब आपका, अगर हम नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो आपने अपनी काली इंस्टॉल की है या उसको अपडेट किया और उसमें कुछ एरर्स आए हैं, अब आपको उनको एरर को ठीक करना तो नहीं आता, बट आप उस मशीन को अपनी उसी पुरानी कंडीशन में जो कि आपने इंस्टॉल की थी उस कंडीशन में कैसे लेके जा सकते हो। तो उसको वहाँ पे लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्नैपशॉट्स लेंगे जब आपने उसको इंस्टॉल किया था, तो वो आपके उस कंडीशन को वहाँ पे सेव रखेगा जैसे कि आपने उसको इंस्टॉल किया था। और जैसे भी आपको उसको अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम या एरर आए, तो आप उसी स्नैपशॉट्स की मदद से आप उसी दोबारा जैसे आपने इंस्टॉल किया था वैसे उसी कंडीशन में आसानी से ला सकते हैं। मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको करके दिखाऊँगा कि आपको वो सब कैसे सेटिंग्स करनी है, और इनको याद रखोगे तो आपको फ्यूचर में इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट जरूर करें और ये कोर्स हमारा रेगुलर देखते रहें इथिकल हैकिंग का। चलो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आने के बाद हम अपने वर्चुअल बॉक्स को ऑन करेंगे जहाँ पे हमने अपनी काली इंस्टॉल की हुई है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे काली इंस्टॉल की हुई है। अगर हम बात करें, अगर हम इस मशीन को नॉर्मल चलाएंगे, मैं आपको अपना स्नैपशॉट दिखा देता हूँ, मैंने पहले से ही लिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो मैंने स्नैपशॉट्स लिया है फ्रेश इंस्टॉल, मतलब जब मैंने ये इंस्टॉल की थी तब का ही मैंने स्नैपशॉट लिया था। और अब ये जो करंट मेरी चल रही है वो ये चल रही है। अगर हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा कि ये हमारा किस तरीके से क्या हेल्प करते हैं। अगर मैं अपनी मशीन को स्टार्ट करूं तो आप देख सकते हो मेरी जो कि पीसी की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हमारी काली स्टार्ट हो रही है। और जैसे ही हमारी काली स्टार्ट होगी, मैं आपको इसको बताऊँगा कि हमें आगे से क्या करना है। प्लीज़ आप इस कोर्स को रेगुलर देखें। रेगुलर देखने का मतलब इस कोर्स को रेगुलर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इस जो हमारा कोर्स ये चल रहा है इसको शेयर जरूर करें। शेयर करने से जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस कोर्स से अगर इंटरेस्टेड होंगे तो इस कोर्स को देखेंगे जरूर, और ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। जैसे आप देख सकते हो हमारा जो कि वर्चुअल मशीन है वो हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पर हम इसका पासवर्ड देंगे। अगर आप ये सेम टू सेम अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो दूंगा कि आपको इसको कैसे डाउनलोड करके और कैसे इंस्टॉल करना है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि हमारी यहाँ पे ये मशीन है स्टार्ट हो चुकी है, हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम बाई चांस जो हम बात कर रहे स्नैपशॉट्स की, स्नैपशॉट्स हमारा क्या हेल्प करेगी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर हमारी ये ठीक है, और हमने यहाँ पे कुछ अपडेट किया है, लगा लो मतलब हम यहाँ पे करते हैं अपने एक नया फोल्डर जो कि हमारे चैनल के नाम से होगा।
जैसे कि हमने यहाँ पे नया फोल्डर बना दिया, आप देख सकते हो ये वो फोल्डर है। अगर मान लो हमने कुछ अपडेट की अपनी मशीन के अंदर और हमें एरर आया है, एरर आना आया है और हम उसको ठीक नहीं कर सकते, हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि हम उसको ठीक करें, तो उसका एक सिंपल और साफ तरीका रहेगा कि हम उस चीज़ का स्नैपशॉट्स ले लें। स्नैपशॉट्स हमारी हेल्प क्या करेगा, जैसे हमने इसमें लगा लो, मतलब हमने यहाँ पे इसकी अपडेट की थी और जो हमें एरर आया, अब हमें मशीन दोबारा उसी कंडीशन में लेके आनी है जैसे हमारी पुरानी थी, हमें एरर ठीक नहीं करने और हमें सिंपली वैसे ही चाहिए अपनी मशीन जैसी हमारी पहले इंस्टॉल थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम अपनी मशीन को करते हैं ऑफ़। हम ऑफ़ करने के बाद इसको क्या करेंगे, जैसे हमने इसको ऑफ़ कर दिया, हम दोबारा जाएंगे स्नैपशॉट्स में, जो कि हमारा यहाँ पे दिखा सकता है, देखो करंट स्टेट्स विल बी चेंज, ये हमारी चेंज हो गई है ना, हमने वहाँ पे फोल्डर बनाया था। अगर हमें सेम वही अपनी फ्रेश है कि हमें सेम टू सेम हमारा वही हो जाए, तो हमें जैसे मैंने यहाँ पे, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पे आप स्नैपशॉट्स क्रिएट करना, जैसे स्नैपशॉट्स वन है, अब ये हमारा क्रिएट किस चीज़ का होगा, जैसे हमने वहाँ पे उसको वहाँ पे फोल्डर बनाया था उसका, ठीक है। अगर ये जो वो है पुराना स्नैपशॉट जो मैंने जब मतलब इसको इंस्टॉल किया था तभी ले लिया था, कि अगर बाय चांस मैं इसमें कुछ भी अपडेट करता हूँ या कुछ भी एरर आए तो मैं अपनी मशीन को नॉर्मली कर सकूँ, ठीक है। जैसे हमारा मैंने फ्रेश इंस्टॉल का था, अगर हम इसको करते हैं रिस्टोर, तो हमारा यहाँ पे रिस्टोर आ गया करंट स्टेट, ठीक है। अगर हम इसको मशीन को करेंगे ऑन दोबारा यहाँ पे, तो हमें वो फोल्डर गायब मिलेगा, क्योंकि हमारी मशीन दोबारा उसी कंडीशन में आ चुकी है जैसे हमारी पहले थी, मतलब जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया था विदाउट एरर विदाउट कुछ भी, जैसे हमारी फ्रेश थी, मैंने इसमें कोई अपडेट नहीं किया तो कोई कुछ नहीं किया था। मतलब अगर हम ऐसा मान के चलें कि हमें कुछ एरर फेस हुआ है अपडेट करने में और हमें वो एरर ठीक करना नहीं आता, तो हमें सिंपली उस चीज़ का स्नैपशॉट्स लेना है उस अपडेट करने से पहले, ताकि बाय चांस हमारी अपडेट करते टाइम कुछ भी एरर आए तो हम अपनी मशीन को दोबारा पुराने तरीके से, मतलब पुरानी ही जैसी कर सके। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड और वो भरूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे वो फोल्डर गायब मिला, क्योंकि मैंने अपनी मशीन को दोबारा उसी में रिस्टोर कर लिया जैसे मेरी फ्रेश थी, जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया था, ठीक है। वो देखो फोल्डर गायब हो गया। अगर हम मेरे को दोबारा उसमें ही कंडीशन में लेके आनी है जैसे मैंने अपडेट की थी, तो सिंपली मैंने उस चीज़ का भी स्नैपशॉट्स लिया हुआ है और मैं जैसे ही उसको स्नैपशॉट्स को रिस्टोर करूँगा, स्नैपशॉट वन था इसको रिस्टोर करूँगा, तो वो फोल्डर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको रिस्टोर कर लिया, रिस्टोर करने के बाद अगर हम इसको दोबारा ऑन करेंगे तो वो फोल्डर दोबारा आ जाएगा। मतलब मैं आपको सिंपली समझाऊं तो अगर हम कुछ भी अपडेट करें, कुछ भी अपडेट करने से पहले हम आप एक बार अपनी मशीन का स्नैपशॉट जरूर ले लें, क्योंकि अगर बाय चांस हमें अपडेट करते हुए टाइम कुछ भी एरर फेस हुई तो हम अपनी मशीन को विदाउट किसी एरर के, विदाउट किसी मतलब हेल्प के, हम अपनी मशीन को दोबारा ही नॉर्मली कर सकें। तो आप जब भी कुछ अपडेट करें काली के अंदर, तो मेरी आपसे राय यही रहेगी कि आप उस चीज़ का स्नैपशॉट जरूर लें, ताकि आपको कुछ भी एरर वगैरह फेस ना होए अपडेट करते टाइम। तो आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव यही था और इसका आपको थर्ड लेक्चर दे दिया जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आप सेम टू सेम जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ काली वर्चुअल बॉक्स में, आप इसको कैसे यूज़ करें, तो मेरे को कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट करोगे तो मैं आपको इसकी वर्चुअल बॉक्स इमेज आपको दे दूँगा ड्राइव के लिए, ड्राइव पे या फिर मीडिया फाइल पे किसी चीज़ पे भी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो फोल्डर दोबारा आ चुका है, तो मैं आपको वो फाइल दे दूँगा वर्चुअल बॉक्स की इमेज, आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट